आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में कितना सोना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो पूरा पूरा दिन बिस्तर पर ही लेटी रहती है, और बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी हैं जिनको नींद ही नहीं आती, यानी कि वो अपनी नींद से इतनी ज़्यादा परेशान हैं कि वो ये सोचती रहती हैं कि काश काश कुछ ऐसा हो कि मुझे नींद आ जाए, मैं सुकून से दो पल सो सकूं। तो आज पूरी बात करने वाले हैं कि जो महिलाएं नहीं सोती हैं उनसे उनके बच्चे पर क्या असर पड़ेगा, और जो पूरा पूरा दिन बिस्तर पर लेटी रहती हैं उनसे भी क्या असर पड़ने वाला है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और जितने भी सवाल आपके मन में हैं कमेंट बॉक्स में लिख दें, अगली वीडियो उसी टॉपिक पर बनाने की कोशिश करूँगी। अब बात करेंगे कि आखिर आपको बहुत ज़्यादा नींद क्यों आती है। होता क्या है कि इस समय आपके हार्मोन चेंज हो रहे होते हैं, तो इस समय आपको बहुत ज़्यादा नींद आने की समस्या देखी जा सकती है, क्योंकि आपके ब्लड शुगर में गिरावट आती है, आपके ब्लड प्रेशर में गिरावट आती है, बहुत सारी चीज़ें आपके शरीर के अंदर अभी चेंज हो रही होती है, जिसकी वजह से आप थकान महसूस करती हैं, और एक या दो घंटे नहीं रात में भी पूरा सोती हैं और दिन में भी आप उतना ही सोती हैं, यहाँ तक कि आपको बस चले तो आप 10 बजे सुबह भी सो जाती हैं, यानी नाश्ता करने के बाद सो जाती हैं, फिर खाना खाने के बाद फिर सो जाती हैं, फिर आराम से 7-8 बजे उठती हैं। तो अगर आपके साथ ये समस्या देखी जा रही है तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, यानी ये कोई समस्या नहीं है, ये आपके हार्मोन के चेंज होने की वजह से आप में ये चीज़ अपने आप हो रही है और आप इसे कंट्रोल भी नहीं कर सकती, यानी अगर आप सो रही हैं तो ये आपके हार्मोन के चेंज होने की वजह से हो रहा है। अब बात करेंगे कि आखिर वो महिलाएं जिन्हें नींद ही नहीं आती उनके पीछे क्या कारण है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा चिंता करती हों, यानी बहुत ज़्यादा टेंशन हो आपके मन में, या तो प्रेगनेंसी को लेकर हो सकता है, या फिर बच्चे के आने के बारे में परेशानी हो सकती है, हो सकता है आपके बीच का रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा ना हो, हस्बैंड वाइफ बच्चा, अब आप सोच रही होंगी कि ये जो बच्चा आएगा उसकी परवरिश कैसे होगी, हो सकता है आपके मन में ये चल रहा हो, या आपके घर में किसी तरह की परेशानी हो, या फिर आप किसी भी तरह से आप परेशान हो, यानी चिंता आपके मन में हो, तो इसकी वजह से भी आपकी जो नींद है वो कम देखी जाती है। और बात करें कि आपके हार्मोन चेंज होने की वजह से सबके अपने अपने कंडीशंस हो सकते हैं, किसी को पेट के वजन की वजह से, यानी पेट जो बढ़ रहा है बढ़ने की वजह से असहजता महसूस होता है, तो उसकी वजह से भी आपको नींद ना आने की समस्या देखी जा सकती है। आप में गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, इसकी वजह से भी ये परेशानी ज़्यादा देखी जा सकती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि घबराहट महसूस होना, ये जो घबराहट महसूस होता है ये भी गैस की वजह से हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से जो है आपको पहली और दूसरी तिमाही, यानी कि 1 से 6 महीने के बीच में आपको इस तरह की समस्या देखने को मिल सकती है। बहुत लोगों में ये 9 महीने तक होता है, तो ये नॉर्मल है, यानी कि ये प्रेगनेंसी की वजह से आपके हार्मोनल चेंज की वजह से हो रहा है। तो थोड़ा आप ध्यान दें, मेडिटेशन करें, खुद को मोटिवेट करें कि आपको खुश रहना है, ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी है, चिंता नहीं करना है, जितना ज़्यादा आप सोएंगी उतना ज़्यादा आपके बच्चे के लिए ये अच्छा होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ये समझती होंगी कि आपके बच्चे के लिए जो अच्छा है वो तो आप ज़रूर करेंगी। अब बात करेंगे कि मान लेते हैं कि आप पूरा टाइम सो रही हैं, यानी आप रात में सोती भी हैं काफ़ी, फिर भी आपकी जो नींद है वो पूरी नहीं होती, आप थकान महसूस करती हैं, तो ये भी हो सकता है इसका कारण कि आपको स्लिप एनेमिया हो गया हो। यानी कि इसमें होता क्या है कि आप सोती हैं पूरा टाइम, लेकिन अचानक से आपकी नींद खुल जाती है, यानी आपकी सांस अचानक से रुक जाती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, और उसकी वजह से आपकी नींद खुल जाती है और आप फिर सो नहीं पाते। या फिर आप बहुत ज़्यादा नींद ले रही हैं, इसके बावजूद आप थकान महसूस करती हैं, ऐसा लगता है कि मैं तो सोई नहीं हूँ, तो ये भी आपकी स्लीप एनेमिया का कारण हो सकता है। तो अगर आपको इस तरह की परेशानी हो रही है तो आप एक बार डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, इसे बता सकते हैं अपने डॉक्टर को, और इसके लिए जो भी डॉक्टर आपको सही सजेशन होगा वो आपको दे सकते हैं। बहुत सारी गर्भवती महिलाओं में ये भी देखा गया है कि वो बैठे बैठे पैर हिलाती हैं, यानी कि पैर हिलाने की तीव्र इच्छा होती है उनके अंदर। तो ऐसे लोगों में ये देखा गया है कि उनमें फॉलिक एसिड की कमी हो सकती है, एस्ट्रोजन लेवल बढ़ सकता है, आयरन की कमी, इनकी वजह से भी जो पैर हिलाने की इच्छा है वो बढ़ जाती है, और यही इच्छा रात में भी होती है, यानी रात में भी वो पैर हिलाती हैं, इसकी वजह से उनकी नींद बाधित हो जाती है। तो ये सारे कारण भी हो सकते हैं आपके नींद कम आने के। बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्हें बार बार पेशाब आता है, पेशाब आने की वजह से होता है कि वो सोती हैं, सोने के बावजूद उन्हें ऐसा लगता है कि अभी तो मैं वॉशरूम गई थी, अभी मुझे फिर से जाना है,
तो ऐसा जो है उनके पेट पर दबाव बढ़ने की वजह से होता है, तो ये नॉर्मल है, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन हाँ, इसकी वजह से भी उनकी जो नींद है वो कंप्लीट नहीं हो पाती, बार बार जाना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन हाँ, आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपको पूरी नींद लेनी होगी। जो भी आपकी समस्याएं हैं उसका समाधान निकालने की कोशिश करें और अपनी नींद को कंप्लीट करें, क्योंकि अगर आप पूरी तरह से सोएंगी नहीं तो आपके बच्चे का विकास सही तरीके से नहीं हो पाएगा, आपके शरीर को आराम नहीं मिल पाएगा, तो आप भी प्रेस महसूस नहीं करेंगी, आप चिड़चिड़ी हो जाएंगी, तो इसकी वजह से आपके बच्चे में भी चिड़चिड़ापन आ सकता है। तो कोशिश करें, खुद को खुश रखें, मेडिटेशन करें, खुद को हाइड्रेट भी रखें और एक स्वस्थ शिशु को जन्म दें। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना बेहद ख्याल रखें।